हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। आज की मेरी रेसिपी है मशरूम दम बिरयानी। मशरूम दम बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब होती है और इसे रायते और दही के साथ आप परोसिए। मेरे घर में ये सभी को बहुत पसंद आती है, मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी सभी के साथ शेयर की जाए। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम चावल बनाएंगे। यहाँ एक कुकर में मैंने तेल लिया है 2 से 3 चम्मच। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ दालचीनी, तेजपत्ता, साथ ही ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के कटे हुए प्याज। इन सभी को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। साथ में ऐड करेंगे पुदीना के पत्ते, आप फ्रेश पत्ते भी डाल सकते हैं। मेरे पास ये सूखे पत्ते थे तो मैंने यही यूज कर लिया है। साथ में ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। इसे अच्छे से फ्राई करना है। यहाँ मैंने लिया है 1 ग्लास चावल। यहाँ मैंने जीरा राइस लिया है, आप बासमती राइस या बिरयानी राइस भी ले सकते हैं। चावल को मैंने धोकर पानी निकाल लिया है। चावल को हम इसमें डाल देंगे और चावल को भी हम 5 से 7 मिनट फ्राई करेंगे। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच गरम मसाला। इन सभी को मिलाते हुए 5 से 7 मिनट फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। 1 ग्लास चावल के लिए मैंने यहाँ पे 2 ग्लास पानी डाला है, यानी कि चावल से डबल पानी। इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 2 चम्मच घी। अब इस कुकर का ढक्कन लगाकर इसे 1 विसल आने तक पकाएंगे और इसका विसल अपने आप आने तक इंतजार करेंगे। यहाँ एक कढ़ाई में मैंने तेल लिया है 2 से 3 चम्मच, साथ में इसमें ऐड किया है तेजपत्ता और 2 मीडियम साइज के कटे हुए प्याज। इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए प्याज बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये मसाला। इसमें मैंने जिंजर, गार्लिक, लाल मिर्च और जीरा, ये सभी को पीस के एक पेस्ट बना दिया है। आप चाहें तो जिंजर गार्लिक पेस्ट और साथ में जीरा पाउडर और मिर्च का पाउडर 1-1 चम्मच डाल सकते हैं। इसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक और 1/2 चम्मच गरम मसाला। इन सभी मसालों को हम 5 से 7 मिनट तक हल्के आंच में फ्राई करेंगे। इसे जलने नहीं देना है, आंच तेज ना रखें, धीमी आंच पर इसे अच्छे से फ्राई करें। ये देखिए इसका कच्चापन बिल्कुल चला गया है। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरे मटर 1/2 कटोरी। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ में हम इसमें डालेंगे मशरूम। यहाँ मैंने 250 ग्राम मशरूम लिया है, आप चाहे तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मशरूम से बहुत पानी निकलता है। इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ 1 हैंडफुल पुदीना के पत्ते और साथ ही ऐड कर रही हूँ मैं 2 टमाटर, जिसे मैंने मिक्सी में हल्का सा ग्राइंड कर लिया है, यानी कि प्योरी कर लिया है। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे ढककर 5 से 8 मिनट तक पकाएंगे। जैसा कि मैंने बोला, मशरूम में बहुत पानी होता है और ये अपने ही पानी में बहुत अच्छे से कुक हो जाता है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ करीब 100 ग्राम के लगभग पनीर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप सिर्फ मशरूम डालकर भी ये बिरयानी बना सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस ये ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। यहाँ देखते हैं चावल, चावल भी बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ है। पूरी अच्छे से चावल पक भी गया है और खिले खिले भी बने हैं चावल। इस चावल को मैंने थाली में थोड़ा फैला दिया था ताकि ये गीले ना हो जाए। अभी कुकर में मैंने सबसे पहले चावल का लेयर बिछाया है। इसके ऊपर हमने ये जो ग्रेवी बनाई थी इसे डालेंगे। दो स्पैचुला के लगभग यहाँ पे ये ग्रेवी हम इसे डालेंगे। उसके ऊपर फिर से चावल का एक लेयर डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी चारों तरफ फैलाते हुए। यहाँ पे मैंने फ्राइड ऑनियन रखा है फ्राई करके, इसे भी स्प्रिंकल कर देंगे।
साथ ही हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। यहाँ मैंने केसर के कुछ स्ट्रैंड्स पानी में घोल के रखे थे, तो इसे भी चारों तरफ छींटते हुए इसका पानी डाल देंगे। इसके ऊपर फिर से ये सारा लेयर फिर से रिपीट करेंगे। सबसे पहले ये ग्रेवी, उसके ऊपर फिर से चावल, उसके ऊपर ये हरा धनिया, घी, फ्राइड अनियंस, केसर वाटर और ये है हमारी लास्ट लेयर। यहाँ ये ग्रेवी बिल्कुल फिनिश हो गई है। इसे हम चारों ओर फैला देंगे। फिर से इसके ऊपर ये लास्ट राइस का लेयर हम लगा देंगे। फिर से थोड़ा हरा धनिया, केसर का पानी, घी और फ्राइड अनियन ऊपर से डालकर कुकर को हम ढक्कन लगा देंगे और इसे 15 से 20 मिनट तक सिम फ्लेम में पकने के लिए रख देंगे। इसमें बहुत अच्छा दम लग जाता है, आप चाहे तो तवा पर भी रखकर इसे पका सकते हैं। ये देखिए बिरयानी बिल्कुल तैयार है, बहुत अच्छे से ये कुक हो चुका है और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो फ्रेंड्स, आपकी मशरूम बिरयानी बिल्कुल तैयार है, ये बहुत ही डिलीशियस और स्वादिष्ट बनी है। तो आप भी ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये कैसी बनी और सबको कैसी लगी। तो मेरे चैनल के साथ आप ऐसे ही बनी रहिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।